नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिस मामले में 26 साल से फरार है लालू प्रसाद यादव, उस केस में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। बिहार के पूर्व सीएम पर है अवैध हथियार रखने का आरोप। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ये मामला 2 दशक से भी ज़्यादा पुराना है, जिसमें लालू यादव के नाम पर हथियार लिए गए और उन हथियारों को अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया गया। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर की MP MLA कोर्ट ने वारंट जारी किया। इस मामले में 23 आरोपी पर केस दर्ज किया गया था। लालू प्रसाद यादव के पेश ना होने के कारण अदालत ने एक्शन लेते उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फर्जी पड़ा 23 अगस्त 1995 से लेकर 15 मई 1997 के बीच किया गया था। कुल 3 फर्म से हथियार और कारतूस की खरीद की गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 23 आरोपी नामजद है। इनमें से 6 के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, जबकि 2 की मौत हो चुकी है, बाकी आरोपी फरार है। ग्वालियर की अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इस मामले में 1998 में फरार घोषित किया था। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू भारत।